इंदिरा आवास योजना सबसे बड़ी लूट योजना है, शौचालय सबसे बड़ी लूट योजना है सर। मेरे आते आते ये जो घुसखोरी 20,000 25,000 30,000 जो लोग ले रहे हैं, मेरे आते आते सर एक रुपया नहीं लेना है ना। मैं लोगों से आग्रह करता हूँ, चाहे जिस पंचायत के लोग सुने, जिधर के लोग जाने, आप अपना अधिकार जानिए और एक रुपया मत दीजिए किसी के। और मैं राजस्थान वासियों से खास करके आग्रह करूंगा कि मेरे जैसा लोग अगर जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो आपसे मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इन सब को लिए आपको एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बिचौलिया आपको कहता है तो आप हमसे डायरेक्ट। नमस्कार, आज हमारी टीम आई हुई है मोहद्दी नगर। मोहद्दी नगर की एक पंचायत में अभी हम लोग हैं, जो पंचायत का नाम है राजा जान। यहाँ पर एक कैंडिडेट हैं, मुखिया उम्मीदवार हैं वरुण कुमार उर्फ अभय कुमार सिंह, जो पहले से शिक्षाविद रह चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है। इनसे पहले जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र से ये पॉलिटिक्स में राजनीति में क्यों आए हैं। पहले तो नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर, आप लोग हमारे राजस्थान में आए, राजस्थान की धरती पर, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हम जैसे लोगों तक पहुँचे और मीडिया के माध्यम से हमारी बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर से धन्यवाद। सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे, आप पहले से शिक्षाविद रह चुके हैं और अभी जो है आप राजनीति में आए हैं, ऐसा क्या लगा कि आपको राजनीति में आना जरूरी लगा? शिक्षा क्षेत्र में तो आप पहले से योगदान दे रहे हैं, उसको छोड़ के अभी राजनीति में आ रहे हैं। देखिए सर, जो भी स्थिति है, जब तक शिक्षित और शिक्षाविद नहीं आएंगे समाज का विकास नहीं होगा। पिछले 70 साल से हम लोग देखे जा रहे हैं, जो लोग जहाँ हैं वहीं पे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अशिक्षित होना, शिक्षा की कमी होना। जितने भी मुखिया कैंडिडेट हैं उनके समझ में केवल एक ही बात आती है कि मुखिया बनने का मतलब धन अर्जन से मतलब है, समाज सेवा से नहीं। तो मेरा पर्पस समाज सेवा है, क्योंकि मैं पिछले 10-15 सालों से कोचिंग चला रहा हूँ, द गाइडेंस के नाम से मोहद्दीपुर में मेरा चलता है। वर्तमान में मैं प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संघ का मोहद्दीनगर का अध्यक्ष भी हूँ। तो मुझे जब हम लोग बैठते हैं तो समय हमेशा, जब भी बातें आई किसी योजना किसी कुछ कहने की, मुखिया जी बिना लेन देन की बात कभी किए ही नहीं। फिर हम लोगों को लगा कि हम जैसे लोगों शिक्षक को आकर के इस गंदे चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत है, इस समाज से कोड और कुरीति को हटाने की ज़रूरत है। और ये तभी होगा जब स्वविवेकी और शिक्षित लोग आएंगे, जिसको न BDO साहब न CO साहब या जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो शायद हम जैसे लोगों को दबा नहीं सकते। यही वजह है कि हमने राजनीति में आने का फैसला लिया। सर, जैसे आपने चर्चा किया भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचार जो है समाज के अंदर बहुत फैल चुका है ना। आजकल ग्राम पंचायत में हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा आम सभा का भी आयोजन नहीं होता है। साथ में हमारा ये सवाल भी रहेगा, भ्रष्टाचार पे कैसे नियंत्रण करेंगे? और आपके पंचायत में जो मुख्यमंत्री साहब का 7 निश्चय योजना रहा है, उसकी स्थिति क्या है और आप उस पर कैसे काम करेंगे? सर, मेरे से बेहतर आप सारे समाज में घूमे, हर पंचायत में गए होंगे, आपने देखा है कि 7 निश्चय एक लूट निश्चय का बन गया है। वो निश्चित रूप से लूट का आधार बन गया है, जिससे कभी आप जरा गौर करके देखें। आपका नल जल योजना है, आप कहीं भी जाए किसी भी जगह लोगों पे ठीक से नहीं पहुंचा हुआ है। अगर बना है तो भवन है, बिल्डिंग बन गया है, पाइपें नहीं गई हैं। मनरेगा की बात अगर आप करेंगे, ठीक है ना, कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ा कल्याण करे। 7 योजना मुख्यमंत्री साहब ने चलाया, उसके पीछे समाज के सबसे निचले तबके लोगों को ऊपर उठाना था, लेकिन आप बताइए क्या कहीं उठा है? शायद हमें इस पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अशिक्षित मुखिया का होना या मिखुआ के बारे में उनके पास ज्ञान नहीं होना, ये मैं मुख्य कारण मानता हूँ। मैं किसी पर कॉमेंट और कटाक्ष नहीं करता, मैं अपने को बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं मानता, लेकिन मुझे लगता है 15-20 साल से मैं अपरोक्ष रूप से राजनीति करता हूँ। मैंने देखा है कि जब भी लोगों की बात चली है तो वो उसी योजना को करने का कोशिश की है जिसमें धन अर्जन की बात होती है नहीं, बस मेरा यही मानना है। तो सर, ये जो आपने एक और क्वेश्चन पूछा सर कि आप किस तरीके से भ्रष्टाचार को रोकेंगे, सबसे बड़ी बात सबसे पहले तो हमें सर जन को उसके प्रति सजग करने की जरूरत है कि आप क्यों दो, आपका अधिकार है, आपको मिलेगा, नहीं देंगे मुखिया जी का परेशानी है। क्योंकि आप जानते हैं जो पंचायती राज का जो बजट है वो आपको खर्च करना ही होगा, अगर वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं। अगर हम उनको ये समझा सकने में सफल हुए कि आप चाहो या ना चाहो, मुखिया जी चाहे ना चाहे, आपकी योजना आप तक पहुंचाना ही होगा, कि उनको वो मजबूरी है, अगर ये बात वो समझ गए तो शायद हम अपने भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हो पाएंगे। तो इसके पीछे लगता है कि पंचायत स्तर पर जो सरकार या फिर जो गांधी जी ग्राम स्वराज
का सपना देखें, उसमें अंतिम व्यक्तियों तक जो जरूरत की चीज़ें पहुंचने की थी, शिक्षा के लिए भी इतना खर्च होता है। अभी हाल फिलहाल में जो है रिपोर्ट भी आ रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बहुत पीछे हो गया है, तो इस सब में कहीं ना कहीं लग रहा है कि शिक्षा कमी होना बहुत बड़ा ये है। सर, मेरा मुखिया पद मेरे कोई एम्बिशन और सोच में नहीं था। हमारे समाज के लोगों ने मुझसे आग्रह किया, क्योंकि मैं कभी पंचायत इलेक्शन की बात नहीं सोचा था। और इसमें मेरा, आपने अगर घोषणा पत्र देखें तो उसमें मैंने सबसे पहले कहा है कि सबसे पहले मुझे शिक्षा को हर जन तक पहुंचाना है, खास करके उस तबके जो STSC के लिए गवर्नमेंट की ढेर सारी स्कीम्स आई। आप जाकर ज़रा देखें, मैं जब पिछले एक महीने से डोर टू डोर कर रहा हूँ, मैं किन्हीं में नहीं देखा कि उनकी स्थिति अच्छी है। राइट सर, हमारे स्कूल जितने भी हमारे सरकार के द्वारा लागू किए, खासकर शिक्षा की बात आपने की, हमारे सारे स्कूल्स में, जैसे हमारा राजन मिडिल स्कूल हाई स्कूल हो गया, उसमें शिक्षक की कमी है। वहाँ शिक्षित मतलब शिक्षक, हमने इससे पहले भी कोशिश, जो जनप्रतिनिधि थे, मैंने उनसे आग्रह किया था कि सर इसमें DPO DO से मिलकर के, BO से मिलकर के आप शिक्षक की व्यवस्था करें। लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं, सुना ही नहीं। जरा बताइए, वहाँ पे नामांकित बच्चे हैं, एडमिशन है, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं। आप बताओ जरा सा, वो कैसे पढ़ाई होगी? मेरे जैसा लोग ये सोचा है, क्योंकि उनके लिए हर घर तक काम करना है, उसको लिए मैंने, मेरे साथ एक प्लान है, क्योंकि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, अर्थ के वजह से भी वो नहीं पढ़ने जाते हैं। मैं कोचिंग चलाता हूँ, मेरा कोचिंग पे आधिपत्य है, जितने भी महोदयनगर के लोग हैं सब लोग सम्मान देते हैं। मैंने सर में प्लान किया है कि 5 से लेकर 7 तक मैं मध्य में कहीं भी राजधान के मध्य में एक कोचिंग स्थापित करूँगा, जो 51 से लेकर के 151 रुपया प्रति मंथली 7 से 10 तक हम उसमें लेंगे आंशिक रूप से। उसके बाद जो सहयोग राशि होगी मैं अपने तरफ से ऐड करूँगा, जिस तरह से भी हो। उसमें सर दो पर्पस पैदा होगा सर, क्योंकि हमारे जो अच्छे बच्चे हैं उनका एक रोज़गार हो जाएगा। राइट सर, हमारे गरीब गरबे के लोगों को उसमें हम जोड़ सकेंगे। खास करके मेरा पर्पस निचले तबके के लोगों के लिए है, लेकिन हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे सर। महिलाओं को, युवाओं को कैसे कनेक्ट किया जाए, इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दें। सर, पहले महिला की बात कहें तो जीविका दीदी के द्वारा उनको कुटीर उद्योग में सहयोग करके, क्योंकि ऑलरेडी उनके माध्यम से बैंक उन्हें सपोर्ट और सहयोग कर रही है, हम उसमें सर उनका ईमानदारी से सहयोग करने में साथ देंगे। दूसरी बात रही बात युवा के लिए, तो युवा के लिए भी बहुत सारा स्कीम आया है, ठीक है ना। उस स्कीम को बैंक के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, और उसमें जो मेहमानी और धांधली है वो रोक देंगे, तो शायद उनका ईमानदारी से उनके कार्य और अपने स्टार्टअप के लिए उनके पास धन आ जाएगा। और उनका अपना जब स्टार्टअप हो जाएगा, कि प्रधानमंत्री ने कहा है लोकल को वोकल, तो लोकल और वोकल के लिए बहुत सारे स्कीम्स आई हैं, उस स्कीम्स को युवाओं के धरातल पर लाने का कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल है हमारा कि आप अगर आते हैं पंचायत में तो प्रमुखता से आपको लगता है कि नहीं, प्रमुखता से पहले ये काम करना जरूरी है, तो किस किन किन कामों पर आप फोकस करेंगे प्राथमिक स्तर पे? सर, सबसे पहले तो करप्शन पे काम करना है, जो बहुत बड़ा कोड है, ठीक सर। दूसरा चीज शिक्षा पे काम करना है, राइट सर। चौथा चीज सर युवाओं के रोजगार की बात करना है, और उनके लिए कार्य हमें करना है शिक्षित के लिए। और उसमें एक और बात है, जैसे जमीनी विवाद बहुत ज़्यादा है सर, सीओर कर्मचारी साहब से मिल करके उनको निपटारा करने का मेरा सबसे, ये तीन हमारा चार जो मुद्दा है सबसे प्रमुख है नहीं, क्योंकि जमीनी विवाद के वजह से आपसी बहुत ज़्यादा रंजिशें हैं, आर्थिक समाज का दोहन होता है, इसको सर हम पहले निपटाने का कोशिश करेंगे। और सर, जितने भी हम कर्मचारी पंचायत के हैं, क्योंकि कभी भी कोई कर्मचारी समाज में कभी भी बैठते नहीं हैं, है नहीं, उनको सर हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ बैठ करके समाज के लोगों का काम यहाँ पे निपटा दें, ताकि इन लोगों को ब्लॉक जाने की बात ना हो, क्योंकि समाज में करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा समस्या है। आप स्वास्थ्य पे भी कुछ अगर बोलते, क्योंकि अभी कोरोना काल खत्म हुआ है, फिर से एक नया वेरियंट आ रहा है, ओमिक्रॉन की अभी बातचीत चल रही है सर, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। और सबसे, और सर ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, और सर मेरे पास एक बहुत अच्छा है, कि मैंने, आपने पूछा नहीं, धन्यवाद इसके लिए कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा पूछा, कि सर हमारे पास एक योजना है, हमने सोचा है कि हमारे पास सर PSC की कमी है, स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे समाज में नहीं है, हमें सर उसे निर्माण करना है। और जितने भी स्वास्थ्य, जैसे आशा दीदी हो गई, है नहीं, हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र में जितने कर्मचारी हैं उनको जोड़ करके, हमारे मित्र मंडली में बहुत सारे सर डॉक्टर्स हैं जो चैरिटी करते हैं, उनके द्वारा हमारा सर सोच है कि उन लोगों को महीना में एक दो बार उनको बुलावें, आग्रह करके उनके द्वारा उनको स्वास्थ्य और मेडिसिन मुफ्त मुहैया करावें। और सर अपने पंचायत का, हमारे राजन पंचायत का खुद का एक एम्बुलेंस हो, जिससे लोगों को
हम मदद कर सकें सही समय पर वो पहुंच जाए। जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो देखते होंगे ना कि गाड़ी समय से नहीं मिलती है, उस वजह से भी लोग एक्सपायर कैजुअलिटी ज़्यादा होती है, डेथ का ज़्यादा रेशियो होता है। तो सर इतना मेरे है, क्योंकि मुखिया पद में अगर हम शायद इतना कर सके तो शायद मेरे लिए बहुत होगा, असल में काफ़ी हो जाएगा। सर अभी इंदिरा आवास योजना सबसे बड़ी लूट योजना है, शौचालय सबसे बड़ी लूट योजना है। सर मेरे आते आते ये जो घुसखोरी 20,000 25,000 30,000 जो लोग ले रहे हैं, मेरे आते आते सर एक रुपया नहीं लेना है ना। मैं लोगों से आग्रह करता हूँ, चाहे जिस पंचायत के लोग सुने, जिधर के लोग जाने, आप अपना अधिकार जानिए और एक रुपया मत दीजिए किसी के। और मैं राजस्थानवासियों से खास करके आग्रह करूँगा कि मेरे जैसा लोग अगर जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो आपसे मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इन सब को लिए आपको एक रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बिचौलिया आपको कहता है तो आप हमसे डायरेक्ट मिले और मैं उस पर पूर्ण रूपे से बने ईमानदारी से आपका साथ दूंगा। सर मैंने शिक्षा के लिए अभी आपने इससे पहले चर्चा की थी, सर हमारा राजन मिडिल स्कूल में, क्योंकि जगह जहाँ पे उपलब्ध है, सर हमने लाइब्रेरी की प्लान की है कि एक लाइब्रेरी बनाना है, कम्पिटेटिव बच्चों के लिए जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें हैं जैसे कंप्यूटर का लगाना, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बुक्स की व्यवस्था करना, कम्पिटेटिव लोगों के लिए वाईफाई का लगा देना। और हमारे मित्र मंडली में मेरे बच्चे भी ऐसे बहुत है जो IITian हैं, जो मेरे बच्चे पढ़ाए हुए हैं वो IIT से गए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी में लोग हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन हम आग्रह करेंगे और बच्चों को बाहर न जाना पड़े, उनकी सारी व्यवस्था हम अपने पंचायत भवन या हमारे जो मिडिल स्कूल लाइब्रेरी बनाएंगे वहाँ पर हम करने का सर मेरा प्लानिंग है, ताकि हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े और अर्थ को बचाया जा सके, ताकि हमारे समाज के युवा शिक्षित हो जाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करके जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसको क्लियर कर सकें। राजन के ग्रामवासियों, आपसे मेरा अपील है कि मेरा चिमनी छाप जो क्रम संख्या EVM के 8 पे होगा, आप हमें मदद करें, आप अपना वोट वोट, क्योंकि एक एक वोट आपके सुधार, समाज के सुधार के लिए होगा। अगर आप हमें अपना वोट देते हैं, और मैं विजय होकर आता हूँ, मैंने जितने भी वादे आपसे किया है मैं एक एक वादे को अक्षरतः धरती पर उतारूंगा और आपका साथ और सहयोग दूंगा हर जगहों पे, हर स्थिति में। बस आपका आप बहुमूल्य वोट मेरे चिमनी छाप पर क्रम संख्या 8 पर EVM के है, मदद करें और राजन पंचायत को समृद्ध और विकसित समाज और आदर्श पंचायत बनाने में सहयोग करें।